नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया एमपी अब तक का। बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। बालाघाट और छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बालाघाट में सीएम ने 761.54 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाडली बहनों को 1 मार्च को योजना की राशि देने का ऐलान भी किया। तो वहीं छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री ने जन आभार यात्रा निकालकर रोड शो भी किया। 104 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही भरोसा दिलाया कि जनता से जो भी वादा किया गया है वो एक एक वादा पूरा किया जाएगा। सीएम ने इशारों में कहा कि कई लोग हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं और आज नहीं तो कल आएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने सबने लगातार प्रबंधन किए। काल के प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सबके साथ प्रदेश को खड़ा रखना। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अज्जू ठाकुर शामिल हुए। वहीं पांडुणा नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए। कई पार्षद, अमरवाड़ा के 16 सरपंच भी शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री। अगली खबर भोपाल से है, जहां खजुराहो से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में एसपी को खजुराहो सीट मिल गई है, यानी कि समझौता जो है वो गठबंधन के बीच में हो गया है। तो इंडी गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट मिली है, ये डील डन हो गई है। मध्य प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। ऐसे में खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दे दी गई है लोकसभा चुनाव के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा से सांसद हैं, उनके पास 2.25 साल का कार्यकाल है, ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका इरादा नहीं है। सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल 2.25 साल मेरे पास और हैं, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि जिस सीट पर जो लोकप्रिय होगा उसे ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने 50% टिकट युवाओं को देने की बात कही है। ने अपनी लोकसभा की पूरी प्रिपरेशन टिकट वितरण की कर ली है, पैनल्स बन गए हैं, सही समय पे टिकट वितरण होगा। 50% टिकट हमने निर्णय लिया है युवाओं को देंगे। युवाओं को मीन्स जो युवा कांग्रेस की परिधि में भी आते हैं और जो 50 साल से नीचे के होंगे। 50% टिकट कांग्रेस पार्टी नए लोगों को देगी, यूथ को देगी। और जहाँ तक प्रश्न है वरिष्ठ नेता, जिसका जहाँ हमारे
टिकट वितरण में जो नाम आए हैं और जिसका जहां लोकप्रियता है, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है, वो छोटा हो या बड़ा, कितना भी बड़ा नेता, सबको लड़ना है। उधर जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जहां दिग्विजय कमलनाथ और सुरेश पचौरी जैसे नेताओं के हाथों में कमान हो तो वहां युवाओं की बात करना ही बेमानी है। पार्टी के नेता ही 77 साल 78 साल वाले बुजुर्गों जो नेतृत्व करते हों, जो पूरे पार्टी की कमान अपने हाथ में रखते हों। अभी भी हमने देखा जो 2 दिन पूर्व का घटनाक्रम हुआ, जो कमलनाथ जी की दल बदल की सारी शंकाएं आशंकाएं तमाम अटकलें चली और उसके बाद जिन शर्तों में वो रुके तो वो शर्तें ही मध्य प्रदेश की कमान संभालने की थी। तब जब कमान ही कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी ऐसे वरिष्ठ नेताओं के हाथ में, वो युवाओं की बात करना बेमानी। शिक्षा मंत्री ने जारी किया स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड 2023-24 के लिए। जिला रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। छतरपुर, खंडवा और डिंडौरी ने टॉप किया है, ये टॉप 3 जिले रहे। नरसिंहपुर जिला लगातार तीसरी बार 5वें स्थान पर बनने में कामयाब रहा। भोपाल, इंदौर और सागर को निचले पायदानों पर जगह मिली है। सीधी, राजगढ़ और रीवा ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है। श्योपुर, कटनी और इंदौर ने सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की है। वहीं जबलपुर संभाग ने टॉप किया है। सागर संभाग को 2रा स्थान मिला। नर्मदापुरम ने 3rd पोजीशन बनाई। तो सीधी के सबसे ज्यादा 10 स्कूल टॉप 100 की लिस्ट में शामिल रहे हैं। कुछ शासकीय स्तर पे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओस के माध्यम से जानकारी आती है, उसके आधार पर यह तैयार होता है। खुशी की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई जिले उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आई है, वो लगातार वो टॉप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी सी तकलीफ वाली स्थिति यह है कि कैपिटल सिटी भोपाल, हमारी बिजनेस हब, बिजनेस कैपिटल इंदौर, ये शासकीय स्तर पर जो स्कूलिंग है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। वहीं उमरिया में बैगा महिलाएं अनुदान राशि बंद होने से परेशान है। बैंक अकाउंट के आधार लिंक या केवाईसी ना होने की वजह से उनको राशि मिलना बंद हो गया है। लिहाजा महिलाएं बैगा विकास विभाग के दफ्तर पहुंच रही हैं। दफ्तर को महिलाओं की परेशानी का पता है लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। उमरिया जिले में 23,000 से ज्यादा बैगा महिलाएं अनुदान राशि के लिए रजिस्टर्ड हैं। कितने महीने इसने? 8-9 महीने। बैगा परिवार की जो महिला प्रमुख है उनको आहार अनुदान सहायता शासन से प्राप्त होती है और जिले में लगभग सभी हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है। लगभग 250 के आसपास ऐसे हितग्राही है जिनका आधार और ईकेवाईसी नहीं हुआ है। चूँकि अब ये राशि पूरी तरह से ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र की जानी है, केवल इन कारणों से कुछ हितग्राहियों को नहीं प्राप्त हो पा रहा है। उसका हमने संज्ञान लिया है और हम लोग कैंप लगा करके उसका निराकरण कर रहे हैं। बात मुरैना की, जहां यूपी से मजदूरी करने आए लोगों को पुलिस ने मुक्त कराया। बामसोली गांव में ये लोग ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। मजदूरों ने मानवाधिकार आयोग को शिकायत की थी, उनको बंधुआ बनाकर रखा गया है। इस शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और मजदूरों को मुक्त कराया। थोड़ा सा तान दो इनको, बार बार जी किसता है इनका। जगह सा हो तो गाड़ी अचानक साहब डबल तीसरा किससे सर, थोड़ा सा तान दो इनको, बार बार जी किस्सा है इनका। जगह साहब कहाँ से आई हैं आप? मुकद्दरपुर से। कब, कितने दिन पहले आई थी? नाम पर 13 दिन हो गए हमें। 13 दिन। अब कहाँ से आई हैं इस वक्त? इस टाइम भट्टे पे सर। कौन लाया आपको? क्या मैं मालिक लोग। मालिक लोग लाए? आपने शिकायत की इस बात की? हाँ। कहाँ पे? हाँ, थाने में। थाने में। तो अब आपको कोई परेशानी तो नहीं है इस वक्त? परेशानी हमें है, हम घर जाना चाहते हैं। घर तो भेज रहे, शासन भेज लगा तो रहा। हाँ। और हम पे किराए के लिए पैसे भी नहीं है बिल्कुल। ये सब व्यवस्था शासन कराएगा, आप घबराइए नहीं।
वही पन्ना में लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग के क्लर्क को अरेस्ट किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। शिक्षक ने क्लर्क को लेकर शिकायत की थी और क्लर्क को 20,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब बात एक और रिश्वतखोरी की। एक छोटा सा काम लेकिन उसके लिए भी रिश्वत की मांग। किसान जो परेशान वो क्या करते, या तो दफ्तरों के चक्कर लगाते या फिर हार थक कर घर बैठ जाते, लेकिन काम नहीं होता। अब काम कराना था तो जो कहा गया वो करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। रिश्वत का खेल कहां है जिम्मेदार? वीडियो वायरल, कब होगी कार्रवाई? रुपए दीजिए, काम हो जाएगा। जी हां, अगर आपका कोई काम अटका है तो बस कुछ रुपए दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने नहीं दी तो फिर काम के तरीके से ही चलेगा। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें श्योपुर की हैं, जहां किसानों से रिश्वत लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। किसानों ने पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। कोटवार को रिश्वत देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कोटवार से किसान बात करते हुए भी नजर आते हैं। सुनिए आप भी क्या बात हो रही है। और बिक्री थे भैया, बिक्री थे। आज जोरे को निवेदन है, एक महीना पीछे भलो रोज तुम्हारे तारीख कह रहे, पर कल परो दे दंगे ले 15 तारीख का है। 2 तारीख आया है भैया, हां 3 को आपन आप ऐसा करियो। किसानों से कोटवार कह रहा है आपका काम हो जाएगा, यानी रुपया दीजिए और काम हो जाएगा। कोटवार को 31,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। ये राशि किसानों ने जमीन को ऑनलाइन कराने की एवज में दी। किसानों का आरोप है कि पटवारी इकलौद गांव में कार्यरत है। पटवारी साहब मन गति पैसा ले रहे, 31,000 रुपये दिए मैंने। हमारे काम में कोरोना ने पैसे क्यों दिए आपने? पैसा दे मैंने, बाकी कहेंगे कि नेट पर सड़ जाएगी जमीन और तुमको पैसा मिल जाएगा। अब क्या नहीं, अब आपने जो पैसा दिया उसका कोई सबूत है? कोई सबूत है क्या? दो भी जमीन चढ़वाई बस खाली, और भी जमीन ना चढ़ी। कोई सबूत है आपके पास जो पैसा लिया है पटवारी ने? क्या सबूत? मोबाइल में रिकॉर्डिंग है पैसा लेते हुए? चौकीदार ने चौकीदारों ने। अच्छा, चौकीदार को पैसे दिए? अच्छा, चौकीदार के माध्यम से लेता है। उधर रुपए लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अब तक जिम्मेदारों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये कोई पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं जब किसानों को अपने इस तरह के काम के लिए साहब को रिश्वत देनी पड़ती है। बिना रुपए दिए कोई काम नहीं होता। अगर साहब अपनी इज्जत पर अड़ जाएं, काम महीने क्या सालों तक लटक जाएं। अब किसान हैं, साहब के पीछे रहेंगे तो खेत में फसल कैसे लगेगी? यही वजह है कि लोग पैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं। श्योपुर से दीपक दंडौतिया, न्यूज 18।